सभा के तारानारी सनिचर बाजार मैदान में उपस्थित है और अभी तुरंत मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम समाप्त हुई है और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोग पब्लिक का ओपिनियन लेने के लिए पहुंचे। पब्लिक से जानना चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद में क्या सीख मिला, क्या कुछ मिला, और अभी हम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कहना था उनका और क्या उन्हें सीख मिला, क्या लाभ मिला, कैसे लाभ लेंगे मुख्यमंत्री का, यदि सब चीज़ बातों से हम अवगत कराते हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ युवाओं से। क्या बताइए, आपकी क्या समस्या? जी सर, बोल रहे हैं कि जैसे कि मुख्यमंत्री जी अभी बोल रहे थे कि लोन लेके बिजनेस करो, तो मेरा भी जूता चप्पल का दुकान है लेकिन चलता नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन मार्केट इतना ख़राब करके रखा है कि जो छोटा दुकानदार है, हम लोग जैसा दुकानदार, मतलब कि बिल्कुल भी एकदम नहीं का बराबर है। जैसे दुकान खोलते हैं, दुकान में बोनी तक नहीं होता है, हम लोग का ऐसा हालात हो गया, तो ये सब कौन देखेगा? तो मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करना चाहेंगे कि हम लोग विषय में कुछ सोचें और आगे कुछ अच्छा करने का विचार करें। आप देखिए, ये तो आपने व्यक्तिगत समस्या बताया कि दुकान बोलते हैं, दुकान चलती नहीं, ऑनलाइन की वजह से ये दोष ऑनलाइन का दे रहे हैं, लेकिन आगे और जनता से बात करना चाहेंगे, क्या कहना है उनकी, क्या बातें हैं, बताइए सर जी, कैसा रहा प्रोग्राम आपका? ठीक रहा, अच्छा रहा, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को, लेकिन कुछ समस्या है उसको भी क्या बताइए। जैसे बिजली उजली का भी बहुत, जैसे हम लोग का बरसात के समय में बहुत बिजली कटती है, इसके लिए भी हम लोग मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि कम से कम बिजली सुधार किया जाए। हम लोग गाँव के हैं। किस गांव से आते हैं? बस इसी चंद्रपुरा प्रखंड के ही हैं हम लोग, तेलो से हम लोग आए हैं। चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो से आए हैं। बिजली की इनकी समस्या, बिजली के सुधार करने के मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि हमारे गाँव का बिजली दुरुस्त किया जाए। बेरमो से मनोज कुमार, 22 को। आपको बहुत अच्छा लगा अपना योजना के बारे में बताया, जैसे कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना, ये सब उनका योजना बहुत अच्छा लगा और वो यहाँ आए, हम लोग को बहुत उत्साह मिला, उसके लिए बहुत प्रेरित हुए यहाँ पे आए। बारिश भी हो रही थी? हाँ, बारिश हो रही थी, बिल्कुल बारिश हो रही थी, उसमें भी लोग बहुत सारे लोग आए, बहुत भीड़ भी हुआ। क्या नाम? मोहम्मद अजय। क्या आप इसमें भाग लेने से आपको कुछ समझ में आया क्या? क्या नाम हुआ आपका? एक तो सही ढंग से रोड तो नहीं बन पाया है, अभी तो रोड की जाल बिछे हुए है पूरा। पहले बात को पहले समझिए, रोड तो जाकर चेकअप तो करवाइए। मुख्यमंत्री तो रोड जब आया है तो रोड तो थोड़ा सा जांच करवाइए, कैसा रोड बना है, नहीं बना है, रोड में पानी जमा हुआ है, निकल गया है, आदमी खंडिया पर में चल नहीं सकता है, जगह कैसे जाए? क्या नाम हुआ? नाम बीगर नाम। क्या आप सुने, क्या समझे, क्या पाए? बहुत अच्छा जो हमारे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जो बोले कि बीएड कॉलेज थी, मेडिकल कॉलेज हम बोकारो में दे रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हम लोग की, यहाँ बच्चा पढ़ेंगे और कुछ मेडिकल कॉलेज में उसको अच्छा चीज़ मिलेंगे, ठीक है। और झारखंड में जितना भी जैसे कि हो रहा है, जैसे कि मान के चलो कि गाय पालन, पशु पालन, बकरी पालन, यहाँ ब्लॉक में भी हम लोग जाते हैं कि बकरी पालन के लिए कि वहाँ को बकरी पालन दीजिए, लेकिन वहाँ जो नीचे स्तर के जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि बकरी पालन आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा जी हमको? बकरी पालन जब बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री देंगे हम आपको, लेकिन बोल रहा है कि आपको बकरी पालन नहीं मिलेगा। हम यही जानना चाहते हैं कि झारखंड सरकार से कि हम लोग को बकरी पालन भी अगर मिलता है तो बहुत कम को मिलता है, लेकिन जितना हम लोग आवेदन करते हैं उससे बहुत कम मिलता है। किस ब्लॉक में? चंद्रपुरा प्रखंड कार्यक्रम में पहुँचे हैं, क्या समझ में आया इस कार्यक्रम में और क्या परेशानी हुई? देखिए, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन समस्या मेरा गांव का है। बचपन से लेकर जवान हो गए, सुनता है कि सड़क बनेगा, अब जवान से बाल बच्चा हो गया लेकिन सड़क बना नहीं है। अच्छा खासा रिश्ता आके घूम जाता है सड़क देख के, ये हाल है गाँव का। किस गाँव से हम लोग आए हैं? डुमरचुटियो गाँव। किस प्रखंड में पड़ती है ये? डुमरी प्रखंड का है। डुमरी प्रखंड, हाँ। वहाँ पे मछली छोड़ देंगे तो 2 महीने मछली पड़ा हो जाएगा, इस तरह वहाँ बांध बन जाता है बरसात में। सड़क जाके देखिएगा वहाँ से, आपको आधा रास्ते घूम के आ जाइए, वहाँ से पार नहीं होगा। मतलब आपके कह रहे हैं कि रिश्तेदार भी नहीं आते रिश्ता करने? नहीं आते हैं, आके घूम जाते हैं, ये हाल है गाँव का। क्या नाम हुआ? सलमान अंसारी।